हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचेस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो जैसा कि आप जानते हो, हम साइंस वन का इम्पॉर्टेंट मार्क्स कर रहे हैं और लेसन नंबर 5 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। लेट प्रोसीड टू लेसन नंबर 6 नाउ। तो लेसन नंबर 6 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। सॉरी, सो व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार ये रिवाइज कर लेना आपने। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद आपको लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन दिया गया है पेज नंबर 74 में, ये पढ़ लेना है आपको। ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, विद डायग्राम भी आप लर्न कर लो। डायग्राम भी पढ़ लिया तो आपको आंसर्स रिकॉल हो जाएंगे। देन डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, दैट इज कॉन्स्टेंट, फाइन। देन लाइट रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला याद कर लेना, इट्स इक्वल टू वेलासिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलासिटी ऑफ मीडियम लाइट इन मीडियम 2, दैट इज कॉन्सिक्वेंस v2 अपॉन v1। सो उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ये बताया गया है आपको, ये आपने लर्न करना है। तीन तरीके से होता है। अगर रेयर से डेंस है तो बेंड्स होगा नॉर्मल की तरफ, अगर डेंसर से रेयर है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, और रेयर जो डेंसर है स्ट्रेट है तो वो क्या होगा, एक दूसरे पर आएगा, तो वो कहीं रिफ्रैक्ट नहीं होगा। देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मिराज क्वेश्चन, प्लीज, चांसेस बहुत है इसके आने के। अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार, हाँ, इंक्रेसिव, आपको, आप यहाँ से देखते हो आपको लगता है इधर है, एक्चुअली वो होता, आप ये इधर रहता है, बट आपको एक्चुअली लगता है किधर है, इधर है, तो ये क्यों है वो भी आपने पढ़ना है इसको। लेट प्रोसीड टू देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट का क्यों आपको ये कलर दिखता है सनलाइट का, ठीक है, 7 विव जो रेनबो कलर क्यों दिखता है आपको। कम टू योर एक्सरसाइज, जस्ट नाउ आई टोल्ड, मार्क द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। देर इज नो क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइज, बट आपने ना प्लीज जो भी मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मिराज वाइज, मिराज क्यों होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हाँ, ये सब आपने एक बार रिवाइज कर लेना टेक्सट बुक से। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आता है, तो इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो भी ये लेसन से रहेगा ही। एंड प्लस आपको न्यूमरिकल जो भी दिया है वो आपको सॉल्व करना ही करना है। वाइज लेट प्रोसीड टू लेसन नंबर 6, दैट इज लेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ओके। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डेफिनेशन सब लर्न कर लेना आपने। फोकल लेंथ, ओके, हो सकता है आपको इमेजेस फॉर्म बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसा डायग्राम दिया जाए और आपको पता है कि इमेजेस कहाँ फॉर्म हुआ है, पॉइंट स्मॉलर है, इन्वर्टेड है, ये आपको आंसर करने को आ सकता है क्वेश्चन, या इन्फिनिटी पर है, एनीथिंग। ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ द लेंसेस, स्टडी दिस, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, डायग्राम वगैरह डिस्टिंग्विश कर लो, बेटर होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई तो भी एक क्वेश्चन कहीं भी डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, या द फॉलोइंग एनी वन जो 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ सकता है, आपको डायग्राम दिया होगा, करेक्शन के लिए बोल सकते हैं, 1-1 मार्क का जो 4 क्वेश्चन होता है, बैनी भी ये कहीं से भी आ सकता है, डिफेक्ट ऑफ विजन। मायोपिया में क्या होता है, आपको दूर की चीज़ें अच्छी क्लियरली दिखती है, नज़दीक की चीज़ें आपको बहुत क्लियरली दिखती है, तो इसको करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये याद रखना। और वो प्रॉब्लम क्यों होता है, देन फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आएगी, बट जो नज़दीक की चीज़ें हैं, जो नियर बाय चीज़ें हैं, वो आपको बहुत अच्छे से नज़र नहीं आएगी, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपका जो इमेज है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होता है, इसके लिए आपको इमेज क्लियर नहीं दिखती है, और उस पर रेटिना के पहले फॉर्म होता है,
किसमें, मायोपिया में, ये याद रखना। इस तरीके से अगर आप लर्न करोगे इट विल बी वेरी इजी। पर्सोबिया मीन्स व्हाट, किसी किसी मतलब ओल्ड एज में लोग आते हैं या कभी कभी कुछ रीजन के वजह से किसी किसी के आंखों में दूर, किसी किसी को दूर की चीज़ें भी अच्छे से नज़र नहीं आती है और नियर बाई चीज़ें भी अच्छे से नज़र नहीं आती, तो उनको पर्सोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो उनके जो लेंस होते हैं उनके लेंस में कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस दोनों होते हैं। कॉन्केव लेंस दूर की चीज़ें देखने के लिए एंड कॉन्वेक्स लेंस नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए। फाइन, नाउ व्हाट आर द यूसेस ऑफ कॉन्केव लेंस, ये आपने लर्न कर लेना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दिस ऑल एक बार सब भी इम्पोर्टेंट है फिर भी आपने देखना है। पर्सिस्टेंट ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, फाइन। सो आपको यहाँ डिस्टिंग्विश दिया गया है फार साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरिस, इम्पॉर्टेंट। गिव रीजन, सिंपल माइक्रोस्कोप इज फॉर वॉच रिपेयर, इम्पॉर्टेंट। सी वन, इम्पॉर्टेंट। At which position will you keep an object in front of convex lens so as to reach a real image of the same size as the object? Draw a figure, important. And solve the following, तो आप पूरे ही practice करो। I can't give anything ऐसा कि ये important नहीं, ये नहीं है। So this part was omitted in COVID, तो physical properties of metals and non-metals आपने एक बार revise कर लेना, it is very important। Okay, जितने भी इसमें के reactions हैं आप इसमें के नहीं कर सकते हो पर textbook के exercise से कर लो, वो important है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, दिस डायग्राम, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये आपने देखना है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर मेटल, तो इसकी बेस पे ये है। तो विथ वाटर रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड हायर लोअर, ये सब लोअर में है, पोटेशियम सोडियम एंड लिथियम कैल्शियम। सो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे आर लेस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, दे आर लेस रिएक्टिव मेटल, ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड, वॉट आर आयोनिक कंपाउंड, शॉर्ट नोट्स ऑन आयोनिक आयोनिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन। देन आपने सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन में हाइड्रोलिक सेपरेशन कर लेना, पेज नंबर 100 में है, इट इज योर हाइड्रोलिक सेपरेशन। देन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रॉथ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लीचिंग मेथड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑफ अलूमिनिया, प्लीज मेक इट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है, ठीक है। नाउ कम टू योर एक्सरसाइज, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, एनोड्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द एक्ट्स ऑफ एल्यूमिनिया। जनरली द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इम्पॉर्टेंट। सिक्स वन, कॉन्फिग्रेशन कर लेना। डायग्राम तो आई विल टेल यू, डू ऑल वन, कुछ भी कर लो, कुछ भी आ सकता है, आई कांट टेल यू। ऑब्जेक्टिव्स डोंट मिस एनीथिंग, प्लीज सॉल्व ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। देन कार्बन कंपाउंड्स में आपके जो एक्सरसाइज में IUPAC नंबर, ये सब जो दिया गया है आपको, प्रीफिक्स सफिक्स, वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन है, ये स्ट्रेट चेन एक बार पढ़ लेना। देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, स्ट्रक्चरल फॉर्म भी आपको आ सकता है। तो बेस्ट है आप इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, डोंट मिस एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। हाँ, कम टू योर एक्सरसाइज ओनली डायरेक्टली, मैं आपको इधर ही लाऊंगी क्योंकि बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट आंसर एज आई डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, what is catalyst, give name of three natural polymers, give name of three functional groups containing three different hetero atom, write name and structural formula of each, give any four functional groups, third question seek wala, what is meant by vinegar and gas hole, what are their uses, please do all, please। Now space mission mein aapne type of satellites and their launcher,
ये किस रिलेटेड में, ये सेटेलाइट किस काम में यूज होता है उसके बारे में दिया गया। ये टेबल एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। ऑर्बिट्स ऑफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट, द फर्स्ट सेटेलाइट जो स्पुटनिक था वॉज सेंड टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन 1957 मार्केट फाइन। देन दिस डायग्राम, ये ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुका है, ये डायग्राम भी आप कर लेना। दिस सम ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट लेसन में भी है एंड इस लेसन में भी ऐसा सम है। शॉर्ट नोट्स में तीनों आ सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन। एच ई ओ, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट, फाइन। स्ट्रक्चर ऑफ पी सी एल वी मेड बाय इसरो, ये स्ट्रक्चर भी लर्न कर लेना। हाँ, इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है आपको, प्लेस फॉर सेटेलाइट, जो ऊपर का पार्ट है इसके अंदर सेटेलाइट्स होता है। फोर स्टेज यूजिंग लिक्विड फूल, थर्ड स्टेज यूजिंग लिक्विड फूल, सेकेंड स्टेज यूजिंग लिक्विड फूल, ये तीनों में फ्यूल्स हैं और फर्स्ट स्टेज में भी फ्यूल है। और नीचे जो है इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट, मतलब इससे क्या मिलता है, इसको पुश मिलती है और ये ऊपर जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पढ़ लेना। देन मंगलयान विच ईयर इट वॉज लॉन्च्ड, नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था एंड इट हैज रीच ऑन मार्स इन सेप्टेम्बर 2014, इम्पॉर्टेंट। चंद्रयान हमने 2008 में लॉन्च किया था, चंद्रयान वन, ठीक है। सुनीता विलियम्स कितने हार्स स्पेस में रही थी, 36 आवर्स, ठीक है। सो हमारे इंडिया के जो इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में पीसीएलवी एंड जीएसएलवी, ये दो इम्पॉर्टेंट लॉन्चेस हैं, ओके। इंसेट एंड जीसेट सेटेलाइट सीरीज है, ये एक्टिवली हमको किस काम फील्ड में वर्क करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीविजन में, ब्रॉडकास्टिंग में, मेट्रोलॉजिकल सीरीज में। एड्यूसेट सेटेलाइट आपको एडुकेशन के काम में यूज़ होता है। IRS सेटेलाइट सीरीज इन वर्किंग फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब बारिश या कई साइक्लोन जो भी इस तरीके से जो रिलेटेड रहता है, आपको कौन देता है, आपको IRS देता है। विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ओके। फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च सेंटर एस्टैब्लिश हुआ था थुम्बा में 1963 में और फर्स्ट सेटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। और हमारे इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है वो क्या है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, ओके। स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट प्लीज, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे स्पेस में भी, यहाँ ऑलरेडी बताया कि 2 crore पीसेस ऑफ लेंथ ऑफ मोर देन 1 centimeter रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, हाँ, दैट आर ऑल कचरा है, ये भी पोल्यूशन है। वॉट इज मीन बाय आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी, दिस वन बेनिफिशियल ऑफ यूज सेटेलाइट एंड ये प्रॉब्लम्स तो करना ही, कंप्यूटर टेबल तो प्लीज़ कर लेना। तो बाय दिस वे मैंने आपको सभी लेसन्स के इम्पॉर्टेंट दे दिए हैं। हो सके तो मैं कल आपको या आज ही शाम को, मोस्टली आज ही शाम को आपको 21 सेट से जो 4 mark के क्वेश्चन है उसके इम्पोर्टेंस बता दूँगी, ठीक है। एंड प्लीज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट, टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Take care. Bye.